बीच में मेरे को दो मिनट बात रखने का मौका मिला। एक बात तो ये है कि जिस तरह से हमारा जो आंदोलन चला हुआ है इन तीन काले कानूनों के खिलाफ में, तो आज जो है जिस तरह से 26 जनवरी को सरकार ने एक षड्यंत्र के द्वारा इस आंदोलन को खत्म करने का और हिंदू सिख दंगा करवाने की जो साजिश रची थी वो आज पूरी तरह फैल हो चुकी है। हरियाणा के अंदर आज जो है किसानों की, मजदूरों की, महिला किसानों की, महिला मजदूरों की जो है आज भागीदारी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये हमारे आंदोलन की एक जीत है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से ये तीनों काले कानून लेके आई है सरकार, अगर इसे पूछा जाए तो ये जो है पहली बात तो किसान विरोधी हैं ही हैं, दूसरी बात मजदूर विरोधी हैं, तीसरी बात ये है कि ये मेहनतकश जनता जो है उसके खिलाफ के तीनों कानून हैं। और ये जो कानून लेके आई सरकार ये बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से कानून हमारे सामने लेके आई है, तो हम इनकी जो है एकदम निंदा करते हैं। जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते हैं तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी बात ये है कि बस ये तीन काले कानून की बात नहीं है, अगर देखा जाए तो जो किसान की जो हालत है आज, किसान जो है खुदकुशी करने के लिए मजबूर है, इसका जिम्मेदार कौन है? किसान कभी खुदकुशी नहीं करता था। किसान एक ऐसी कौम है जो मेहनत करके खाती है, दुनिया का पेट भरती है, लेकिन आज उसकी मजबूरी ऐसी पैदा कर दी गई कि उसको जो है खुदकुशी करनी पड़ती है, तो इसका जिम्मेदार कौन है ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो ये बस तीन काले कानून खत्म करने तक की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बहुत लंबी है और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें अपनी जो वर्गीय एकता है उसको मजबूत करना चाहिए और उसको मजबूत करने का काम हमारा सूत किसान मोर्चा जो है वो बहुत ही सूझबूझ से कर रहा है। इसी के साथ में मैं एक कविता आपको सुनाना चाहूँगा जिसमें जो है 26 जनवरी के बाद में हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, अलग अलग देश से जिस तरह से महिलाओं का जो भागीदारी जो बड़ी है उसके ऊपर एक कविता है। आज दुपट्टा लहराए निकली घर से वो कौन नौजवान है, रसोई और खेतों को आराम देकर निकल पड़ी अपने सिंहासन पे, ट्रैक्टर अब नहीं रुकेगी। जब तक चूड़ियों की आवाज गोलियों की आवाज को दफना नहीं देती, जब तक चूड़ियों की आवाज गोलियों की आवाज को दफना नहीं देती, जब तक लाल सिर्फ श्रृंगार नहीं शहीदों के बहते खून का रंग भी है, जब तक इनकलाब की आग जलाकर भस्म नहीं कर देती काले कानून और उनके रखवालों को, ट्रैक्टर चलेगी, गुड़िया लड़ेगी। पगड़ी में सिर्फ बाल नहीं, पगड़ी में सिर्फ बाल नहीं, बंधी है ताकत भी, साहस और सच्चाई, समता और लड़ाई। लाठी और पत्थरों से सिर टूटता है, लाठी और पत्थरों से सिर टूटता है, जज्बा और जुनून नहीं, एकता का सुकून नहीं। पानी की बौछार में उतना दम कहां, पानी की बौछार में उतना दम कहां, आंसू गैस भी तो कम रहा, भाई की पुकार के आगे चले आए तिरंगा लहराई। हथियार की जरूरत इनको नहीं है, हथियार की जरूरत इनको नहीं है, हथियार तुम उठाओ, आर्मी को भी बुलाओ, बसे जलाओ अपने गुलाम पत्रकारों के सामने, चुपचाप छुप जाओ, डरो कि तुम्हारा ताज अब उछला जाएगा, तुम्हारा तख्त अब गिराया जाएगा। ना राम ना अल्लाह तुम्हें बचाने आएगा, ना राम ना अल्लाह तुम्हें बचाने आएगा, ना राम ना अल्लाह, ना राम ना लत में बचा पाएगा। इस लोकतंत्र के षड्यंत्र से, आजादी के मंत्र से, आजादी के मंत्र से। धन्यवाद। मैं दो नारे लगाऊंगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। धन्यवाद नौजवान खुशी राम दा। हुण तुहाडे नाल सुखविंदर सिंह तुल्लेवाल क्रांतिकारी, वह अपने विचार सांझे करनगे। उन्हां तों बाद चरणजीत सिंह ठाकरगढ़ सूबा मीत प्रधान शादीपुर जी। सूरा सो पहचानिया जो नरा दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबू ना छाडा खेत, गगन दमामा बाजो परयो निशाना घाओ, खेत जो मांडो सूरमा आप जूझन का दो धाओ, जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ,
इत मार्ग पैर धरी जाए सरदीजा काल ना की जाए। मेरे बहुत ही सत्कारयोग भैनों ते भरावो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भरावो आपां नूं इस जिहड़े काले करू ने इन्हां नूं लड़दिआं जून तो लैके अज तक इत्थे भी ढाई महीने तो उत्ते समा हो चलिया है ते जून तो यह लड़ाई शुरू हो गई सी जथेबंदियां ने करती सी। पहला आपां पिंडां दे विच कानफ्रांसां कीतियां, फिर डीसी दफ्तरां च कीतियां, फिर आपां ट्रैक्टर मार्च कीते, मोटरसाइकिल मार्च कीते, जिन्हें पंजाब दे मंत्री सी सारिआं नूं इह प्रमाण पत्र दिते वी जिहड़े काले कानून ने किसान विरोधी ने। भरावो फिर फिर अपना अपना रेलां बंद कीतियां, टूल प्लाजे बंद कीते, इन्हां दे जिहड़े वड्डे वड्डे माल ने ओह बंद कीते, ते फिर आपां 26 तरीक नूं इत्थे आए सी। 26 तरीक नूं भरावो 26 तरीक तो ढाई महीने हो गए साढ़े 250 दे करीब जिथे जिहड़े किसान इत्थे शहीद होए ने, ते साल हो गया जिहड़े पुलवामा च मोदी ने 40 जवान शहीद कराए सी, उन्हां नूं अज साल हो गया, सराना वरेगंढ हो गई भरावो। पर इन्हां नूं शहीदां दा कोई फिक्र नहीं, इन्हां नूं फिक्र हैगा सी इन्हां नूं उहदे अडवानियां अडानियां दे पोते दे जन्मदाता फिक्र पै गया सी, पर ये 250 किसान इत्थे शहीद होया है, 40 किसानां नूं साल हो गया, उन्हां पिछे अजे तक इन्हां दा एक भी इन्हां दा एक वार भी नहीं कहा वी उह माड़ा होया है। ते आ किसानां पिछे इन्हां नूं शर्म आउणी चाहीदी। आ जिहड़ा खेतीबाड़ी मंत्री तोमर है कहिंदा जिहड़े किसान शहीद होए ने मेरे ध्यान च नहीं, किड्डी शर्म की गल आ भरावो। एक इतों का हरियाणे का खेतीबाड़ी वो दलाल तो पहले भरावो माड़ा हुंदा है, एक दलाल है खेतीबाड़ी मंत्री हरियाणे का, क्योंकि गुरु नानक साहब ने कहा भी वड्डीए हथ दलाल के मुस भी ये करे, जे भी दलाल है वो किसानों नूं होर ही कुछ दसदा है। भरावो शर्म आनी चाहीदी आ, जदों इतों का हिंदुस्तान भुखा मरदा सी साडे पंजाब ते हरियाणे दे किसानां ने वड्डे वड्डे टिब्बे असार के इत्ते हरी क्रांति लिया के हिंदुस्तान दा ढिड भरिया। भरावो जदों मारू खेती हुंदी सी कोई करजा नहीं सी किस किसानां दे सिर, चंगा खांदे सी, चंगा पहनदे सी, कोई किसी दा किसी दी पंजी देनी नहीं सी। भरावो जदों तों हरी क्रांति आई इत्थों हिंदुस्तान दा ढिड भरिया, ते इत्थों दे जिहड़े इत्थों दे भंडार भरे ने उन्हां दा किसानां नूं की मिलिया करजा ते खुदकशियां। भरावो जदों तो हरी क्रांति आई है उदों तो जिहड़ा किसान उह करजे च दबदा गया। भरावो जे ट्रैक्टर लै लिया तां ट्रैक्टर दा जिहड़ा करजा नहीं उतरिया, जे मोटर लवा ली मोटर दा करजा नहीं उतरिया। भरावो जिहड़ा 5 किलां वाला उदों तो करजा 5 लख दा नहीं उतरदा। इस करके भरावो इसे करके जिहड़ी किसानी आ उह करजे च हुंदी गई, पहला तो यह फसल खाते सी ते हुण जिहड़े इह कानून पास किए ने यह तुहानू जमीन तो वेला करके तुहानू भी मजदूर वाली लाइन च खड़ा करने वास्ते मजबूर किया है। इस करके भरावो जे इज्जत अणख नाल जाना है, आपां पिंडों कह के आए सी भी जे तां इह काले कानून रद्द होए तां मुड़ के आवांगे, नहीं तां साडियां लाशां होणगियां। भरावो इस करके भरावो बहुता समा नहीं लगना होना ते पिंडां चों, क्योंकि सारे हुण ये पंजाब हरियाणे ते भारत दा अंदोलन नहीं होएगा, हुण वर्ल्ड दा अंदोलन हो गया, ये जन अंदोलन हो गया। भरावो बच्चे छोटे बच्चे तो वो साल दे जिहड़े बच्चे ने वह भी झंडा लै के मोदी मुरदाबाद दे नारे ला रहे ने। भरावो छोटे बच्चे तो लै के 90 साल दे बजुर्ग तक सारे जनां दे मूँह चों यही आवाज आउंदी आ भी जिन्ना चिर काले कानून रद्द नहीं हुंदे उन्ना चिर अंदोलन सिरे रहूगा। भरावो फिक्र ना करियो, जिन्ना चिर यह कानून रद्द नहीं हुंदे उन्ना चिर अपनियां जिहड़ा इस अंदोलन शुरू रहूगा, क्योंकि अज जिहड़ा
अपने शहीदों कैंडल मार्च कढ़ना उन्होंने शहीदों के नाँ पर। तो परसों सर छोटू राम का परसों सर छोटू राम जिन्होंने अंग्रेजों के राज दे किसान के पक्ष च कानून बनाए सी वही कोई भी किसान का गड्ढा बल्द जां जमीन कोई कुरक नहीं कर सकता जां घर। इस छोटू राम नूं आपां इस तरह याद करना क्योंकि उन्हें अंग्रेजों के राज कानून पुठे मोड़ते सी। ते हुण आपां ते 18 तरीक नूं रेल रोको अंदोलन वह भी सारे भारत के ओदे उत्थे लोगों चाहिए भी जरूर रोकांगे बड़ी वड्डी गिणती च जिहड़ा पिछे 6 तरीक का सी वह भी बहुत वड्डी गिणती च होया है ते जिहड़े 18 तरीक का है वह भी उदू भी वड्डी गिणती च होना भरावो। तो जिहड़ियां पंचायत खाप जिहड़ियां किसान पंचायतां ने उहदे च भी किसानां दा उत्साह आ। तो हुण जिन्ना चिर कसून वापस नहीं होंदे तो जिहड़ा मोर्चा इह चढ़दी कला च रहेगा। मैं इन्नियां गल्लां कहिंदा तुहाडे तों खिमा चाहुंदा जे किसी के खिलाफ बोलिया हो माफ़ी चाहुंदा। तो मैं 3-4 नारे लाऊंगा नारियां दा आवाज़ उच्ची आवाज़ दे विच देना किसान मजदूर एकता जिंदाबाद अडानिया अंबानिया की दलाल मोदी सरकार मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद काले कानून रद्द करो काले कानून रद्द करा के रहांगे। तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्नवाद तुलेवाल साहब का। हुण चरणजीत।